नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप रोजगार से जुड़े समाचार से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे YouTube चैनल जीओवी पीवीटी को जरूर सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। बिहार ने बनाया रिकॉर्ड, इन 5 राज्यों की लिस्ट में शामिल हुआ। 11 अप्रैल से एक बार फिर से शुरू हो रहा है जनता दरबार। इस दिन के बाद प्रस्तावित शहरों को जिला का दर्जा देने पर किया जाएगा विचार। काटने से जान जाने पर परिजनों को 4 लाख रुपए देगी नीतीश सरकार। गौतम गंभीर की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर हो रही वायरल। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार ने बनाया रिकॉर्ड, इन 5 राज्यों की लिस्ट में हुआ शामिल। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिहार का कुल बजट 2,18,000 रुपए था, जिसमें बिहार कुल बजट आकार का पहली बार 2 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च करने में कामयाब रहा है। ऐसे में बिहार ने चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत में एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया। इसमें पेंशन, वेतन समेत अन्य सभी स्थापना और प्रतिबद्ध मद में 1,17,000 करोड़ और योजना मद में 84,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जो अब तक खर्च किए गए बजट में सर्वाधिक है। ऐसे में बिहार देश के ऐसे 5 राज्यों में शामिल हो गया है जिसने अपने बजट का 2 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च किया है, जिसमें तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक शामिल है। 11 अप्रैल से एक बार फिर से शुरू हो रहा है जनता दरबार। बिहार विधानसभा में चल रहे बजट सत्र की वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार नहीं लगा रहे थे। अब जबकि विधानसभा का बजट सत्र खत्म हो गया है तो एक बार फिर से नीतीश कुमार अपना जनता दरबार लगाने जा रहे हैं। राज्य में एक बार फिर से 11 अप्रैल से जनता का दरबार मुख्यमंत्री कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ये जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद बीते दिन विधानसभा स्थित अपने कक्ष में दी। मालूम हो कि पिछले 25 फरवरी को विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हुआ था और इस वजह से जनता दरबार बाधित हुआ था। कहीं लू तो कहीं बारिश, मौसम विभाग ने किया अलर्ट। बिहार का मौसम लोगों को अब उलझन में डाल रहा है, कहीं बारिश तो कहीं लू जैसी स्थिति बनी हुई है। बीते दिन की ही बात करें तो राजधानी पटना सहित बिहार के कई जिलों में बारिश जैसी स्थिति देखने को मिली और आंशिक रूप से बादल भी छाए हुए थे। वहीं कई जिलों में बारिश भी हुई, लेकिन आज प्रदेश भर के आंशिक जिलों की अगर हम बात करें तो आज अधिकतर जिलों में अधिकतम तापमान में वृद्धि हुई है, जिसके बाद मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग गया और औरंगाबाद जिले में लू को लेकर अलर्ट जारी कर चुका है। वहीं उत्तर पूर्वी भागों में अगले 4 दिनों तक बारिश का पूर्वानुमान भी जताया गया है। नीति आयोग की रैंकिंग में देश के कुल 112 जिलों में कटिहार को मिला पहला स्थान। नीति आयोग की फरवरी 2022 की डेल्टा रैंकिंग में बिहार के कटिहार जिला ने 55.9 के साथ कंपोजिट स्कोर हासिल कर देश में प्रथम स्थान पाया है। मालूम हो कि देश के पिछड़े जिलों में विकास की गति को तेज करने के उद्देश्य से नीति आयोग ने 112 आकांक्षी जिलों में स्वास्थ्य और पोषण, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास, मूलभूत आधारभूत संरचनाएं आदि जैसे अन्य कार्यों में तेजी से विकास करने के लिए महत्वपूर्ण पहल शुरू की थी, जिसके तहत ही बिहार के 12 जिलों में काम चल रहा है। ऐसे में देश के कुल 112 जिलों में बिहार के कटिहार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। गया, मुजफ्फरपुर और खगड़िया क्रमशः द्वितीय, तृतीय और 7वें स्थान पर है। अधिकारियों ने दिया अपने चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा। बिहार सरकार के अधिकारियों ने बीते दिन अपने संपत्तियों का ब्यौरा जारी कर दिया है, जिसे सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। इसमें सभी अधिकारियों के चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा है। इसमें मुख्यमंत्री सचिव अनुपम कुमार का भी संपत्ति का ब्यौरा दर्ज किया गया है, जिसमें बताया गया है कि उनके पास अपना खुद का कोई वाहन नहीं है। बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी के पास नकद 32,850 रुपए, वहीं पीपीएफ में 10,67,000 रुपए जमा है। इनके पास मारुति 800 ऑल्टो कार है। बेरी रोड में जगत अमरावती अपार्टमेंट में 1425 वर्ग फीट का एक फ्लैट। इस दिन के बाद प्रस्तावित शहरों का जिला का दर्जा देने पर विचार किया जाएगा। प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि बगहा सहित बिहार के प्रस्तावित शहरों को जल्द ही जिला बनाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि बगहा सहित राज्य के अन्य प्रस्तावित शहरों को जिला बनाने के प्रस्ताव पर 30 जून के बाद विमर्श किया जाना है। विजेंद्र प्रसाद यादव ने यह भी कहा कि राजस्व विभाग ने 30 जून 2022 तक नए परिसीमन पर रोक लगा रखी थी, इस वजह से नया जिला, अनुमंडल, प्रखंड या थाना का निर्माण नहीं हो सकता। बिहार से लौटे मजदूरों को अब बिहार में ही मिलेगा काम। बिहार राज्य में बाहर काम करने वाले मजदूर जो किसी कारणवश वापस बिहार लौट आए हैं और उनके पास कोई रोजगार नहीं है, ऐसे में इन लोगों के लिए सरकार महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। आपको बता दें कि ऐसे लोगों को बिहार में ही काम मिलेगा। इन लोगों पर बिहार सरकार ऑनलाइन नजर रखेगी और इन्हें ट्रैक करेगी। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने कहा है कि बिहार से बाहर काम करने वाले मजदूरों को सरकार ट्रैकिंग कराएगी। इसके लिए पोर्टल बन रहा है, आकलन कर उन्हें हुनर के अनुसार काम दिया जाएगा। साथ ही जो बिहार से वापस लौट गए हैं उन्हें वापस बिहार बुलाया जाएगा और उन्हें रोजगार दिया जाएगा।
सांप काटने से जान जाने पर परिजनों को 4 लाख रुपए देगी नीतीश सरकार। बिहार में अगर किसी इंसान को सांप डस लेता है और उसकी जान चली जाती है तो उस इंसान के परिवार को सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। आपको बता दें कि सांप डसने की घटना को प्राकृतिक आपदा में रखा गया है। ऐसे में अगर किसी भी इंसान को सांप डस लेता है और उसकी जान चली जाती है तो उनके परिजनों को आर्थिक तौर पर 4 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। आपको बताते चले कि इस बात की जानकारी बिहार विधानसभा में बीते दिन उप मुख्यमंत्री सह आपदा प्रबंधन मंत्री रेणु देवी ने दी है। आज से राजधानी में डीजल वाले ऑटो बस चलाने पर लगा बैन। बिहार की राजधानी पटना में आज से डीजल वाले ऑटो बस चलाने पर बैन लग चुका है। आपको बता दें कि पटना नगर निगम के साथ ही दानापुर, फुलवारी, खगौल, दीघा और पटना सिटी में शुक्रवार से डीजल वाले ऑटो और बस नहीं चल रहे हैं। इसके बाद डीजल वाले करीब 12,000 ऑटो और 250 बसों पर बैन लगाया जा चुका है। रोक के बावजूद डीजल गाड़ी चलाने वालों को पकड़ने के लिए टीम भी बनाई गई है। हर चौक चौराहे पर पुलिस अधिकारी ऐसे वाहनों की जांच करेंगे। अगर आप डीजल गाड़ी चलाते वक्त पकड़े गए तो आपकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। नीडा की बिक्री आज से हुई शुरू। बिहार में शराबबंदी लागू है। ऐसे में बिहार के वैसे लोग जो शराब से जुड़े कारोबार को करते थे उनका रोजगार छिन गया। ऐसे में इन लोगों के लिए सरकार नीरा को बढ़ावा दे रही है। ऐसे लोग नीरा का व्यापार कर सकते हैं और अपना जीविकोपार्जन भी कर सकते हैं। इसके लिए सरकार व्यवसाय को अनुदान भी दे रही है। और आपको बताते चले कि आज यानी कि 1 अप्रैल से नीरा की बिक्री भी शुरू हो गई। खुद सीएम नीतीश कुमार ने समाज सुधार अभियान की सभाओं में नीरा को स्वास्थ्य के लिए लाभदायक बताया था। आम लोगों को लगा महंगाई का ट्रिपल अटैक। नए वित्तीय वर्ष आज से यानी कि 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है। वित्तीय वर्ष बदलने के साथ ही आम लोगों का बजट भी बिगड़ने वाला है क्योंकि महंगाई का झटका अब लोगों को लगना शुरू हो गया है। खाने पीने से लेकर सफर करने तक सब कुछ महंगा हो गया है। आपको बता दें कि आज से कमर्शियल गैस की कीमतों में प्रति सिलेंडर 250 रुपए की बढ़ोतरी हो गई। उदाहरण के तौर पर अगर आप होटल में खाना खाने जाते हैं तो आपकी जेब पर इसका असर पड़ सकता है। सड़कों पर चलना महंगा हो गया है। टोल टैक्स में 10 से 65 रुपए तक की बढ़ोतरी हो गई है। यही नहीं, नए वित्त वर्ष में दवाइयों की कम से कम 800 तरह की दवाइयों की कीमत पर भी बढ़ोतरी हुई है। मंत्री संजय झा ने कहा, कहीं नहीं जा रहे हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री ने बुधवार को ऐसे ही बातों में कहा था कि वो 3 सदनों के सदस्य रह चुके हैं, सिर्फ राज्यसभा बाकी है। मुख्यमंत्री की ये बात चारों तरफ आग की तरह फैल गई और अफवाहों ने पैर पसारना भी शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं। हालांकि इन अफवाहों पर पूर्ण विराम लगाने के लिए जदयू के मंत्री संजय झा नीतीश कुमार के बीच बचाव में उतरे हैं और ट्वीट कर उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के पास बिहार की सेवा करने का जनादेश है और मुख्यमंत्री के रूप में वो पूरे कार्यकाल इसको जारी रखने वाले हैं। नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की सुनवाई फिर टली। मालूम हो कि कोर्ट ने डोरांडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव को 5 साल और 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। अब इसके बाद अब चारा घोटाले में सजायाफ्तार राजू सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई टाल दी गई है और अब लालू प्रसाद यादव की याचिका पर 8 अप्रैल को सुनवाई होगी। आपको बता दें डोरांडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव 14 फरवरी से जेल में है। इस दौरान उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें रिम्स से दिल्ली एम्स भी रेफर किया गया था। भाजपा प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने बोचहा जाएंगे नीतीश कुमार। सभी राजनीतिक पार्टियों का ध्यान बस आने वाले विधान परिषद और बोचहा उपचुनाव पर होने वाला है, जिसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से चुनाव के लिए प्रचार भी करने लगी हैं। बिहार विधान परिषद चुनाव 4 अप्रैल को होने हैं, वहीं 12 अप्रैल को मुजफ्फरपुर के बोचहा उपचुनाव का आयोजन होगा। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां अपना पूरा दमखम दिखा रही है। इसी बीच खबर यह भी आई है कि भाजपा प्रत्याशी के लिए खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी सभाएं करने वाले हैं। नीतीश कुमार बोचहा एनडीए प्रत्याशी बेबी कुमारी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। गौतम गंभीर की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर हो रही वायरल। आईपीएल के 15वें सीजन का 7वां मुकाबला बीते दिन सीएसके और आईपीएल टीम लखनऊ सुपर जॉइंट्स के बीच खेला गया। लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से मात देकर आईपीएल में अपनी पहली जीत दर्ज की। हालांकि इस रोमांचक मुकाबले में एक ऐसा भीषण था जिसने सभी का ध्यान खींचा। जैसे लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स पर 6 विकेट की जीत दर्ज की, वैसे ही मेंटोर गौतम गंभीर डक आउट में काफी जोश के साथ जश्न मनाते हुए दिखाई दिए। मैच के समापन के बाद जब गौतम गंभीर की प्रतिक्रिया कैमरे में कैद हुई वो देखने लायक थी। इसके बाद से उनका यह रिएक्शन सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है महेश दास, रंजीत मिश्रा, गोल्डन कुमार यादव, रवि कुमार राज, अनंजय यादव, रघुनाथ प्रसाद, बीपी रंजन, राकेश महतो, नुन्नू कुमार, राजीव कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, बाहर से लौट रहे मजदूरों को बिहार में रोजगार देने की सरकार की योजना कारगर साबित होगी या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।